नुकसान हो चुका है और दुख हो रहा है। गाइस आप पिटाई करेंगे? हाँ, पिटाई करेगी पापा की, नीचे चलेगी लेने के लिए, जैसे ऊपर तो आ ही नहीं रहे पापा। कितनी पापा ने ना परेशान किया था ना, एक बार संडे को उनसे मैंने करी बात। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो टाइम हो चुका है 10:30 का हो चुका है, तो हम लोग उठे सो के आज 9:30 बजे, तो आज बहुत लेट हो चुका था। मतलब मैं तो उठ गई थी 9 बजे तक, पर ये लोग उठाते उठाते 9:30 हो चुके थे और हस्बैंड वाले ही जा रहा था, क्योंकि उनकी आज MOD है तो वो नहीं आएंगे आज, इसलिए उनका लेट था। और मैं सो गई उठ के, सबसे पहले मैंने बाहर साफ़ करा, उसके बाद बिस्तर वगैरह ठीक करा, पानी वाला शुक्र नलाया और सब कुछ हो गया। और अब मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं क्या काम कर रही थी। तो मैं फ्रिज को, मतलब जो क्या सब्जियाँ लाई थी तो उसको ठीक लगा रही थी। यहाँ पे प्याज मैंने धूप में सुबह रखती, आलू रखती है और थोड़ी सी भिंडी मैं अभी बनाऊंगी इसको। और सब कुछ वॉश हो गया है और इसकी टोकरी खाली कर दी है अब इसमें रखने के लिए, बर्तन रखने के लिए। तो अभी क्या बताऊँ मैं आपको, घर से लस्सी आई थी ना, और वो लस्सी ना ऐसे हो चुकी है देखो, जो तीन की तीनों बॉटल थी ना वो ख़राब हो चुकी है। और मुझे इतना दुख हो रहा है ना लस्सी देख के, मैंने भी देखी ये ना कुछ अजीब सी हो गई है, मतलब फटती चुकी है और मुझे ना ये सारी लस्सी गिरानी पड़ रही है। और हमने सोचा था कि लस्सी खाएंगे, मतलब जैसे मम्मी ने इतनी सारी दी थी घर से लस्सी, सारा नुकसान हो चुका है और दुख हो रहा है। मुझे लस्सी गिरा, मुझे लस्सी से इतना प्यार आ रहा है। मैं लस्सी, मतलब मैं 3-4 दिन पहले की लस्सी बोला मैं खा लेती हूँ, पर क्या कर सकते हैं, इसको फेंकना पड़ेगा मुझे। और तो ठंडा ठंडा लग रहा है ना, मज़ा आ रहा है इसको टच करके, तो इसको मैं फेंक दूँगी, क्योंकि मैंने टेस्ट करी थी तो बहुत गंदी सी यार टेस्ट आ रहा था इसका, तो मैं इसको फेंक रही हूँ। और एक बॉटल हम लोग उस दिन बॉटल लेके आए थे लाइन से, मतलब हस्बैंड गए थे, तो इसको भी वॉश करना है और फटाफट से काम करना है। और अनिशा मैं दिखाऊँ, अनिशा मैं रेडी कर, अनिशा को मैंने रेडी कर दिया है। अनिशु हाय, अच्छा वो फोन चला दिया, अभी क्लीनिंग बाकी है। और ये प्याज थे, 5 किलो प्याज लाए थे ना, तो मैं धूप में सुखा दूँगी। और जो कल हम आपको गिफ्ट मिला था वो ये कुकीज़ थे, ये 3 पैकेट थे, तो मैंने एक आंटी को दे दिया एक, और हमारा। और फटाफट से मैं इनको क्लीन करती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। The next day. Hey everyone, good evening. तो वेलकम बैक। तो अभी मैं बना रही हूँ खाना और टाइम हो चुका है 7 बज चुके हैं, तो इसके पापा आने वाले हैं, कल वो आए नहीं थे तो आज वो आ रहे हैं। तो मैं फटाफट से खाना बना रही हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इस वजह से जल्दी खाना बना के बाहर चल जाएगी घूमने। तो आप सोच रहे हो कि कल, मतलब तो मैं जो थोड़ा सा व्लॉग सुबह बनाया था उसका मैं बनाना ही भूल गई और मेरे दिमाग से निकल गया, तो कल उसका थकान भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि गर्मी से बन ही नहीं करता कुछ चीज़ करने का और कुछ था भी नहीं आप साथ शेयर करने को। तो मैंने सोचा उसी व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो कल सुबह मैंने वैसे वही दिखाया था जो मैं काम कर रही थी सुबह, वो सब्जी वगैरह लगा रही थी। और उसके बाद में आना शहर थोड़ा बहुत और कुछ करा, फिर रेस्ट करा कल के दिन। तो आज है न्यू डे, तो सेम ब्लॉक है। तो अभी मैं बना रही हूँ डिनर, डिनर में बना रही हूँ बैंगन की सब्जी और बैंगन आलू और चटनी सोच रही हूँ बनाने का। तो अनिशा बाहर है यहाँ पे, जिसी टाइम मैंने ब्लॉग स्टार्ट करा ना उसी टाइम मम्मा 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 बस ये साइकिल चला रही। मैंने सुबह थोड़ी देर यहाँ पे बाहर घूम लिया, मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है इसलिए सोच रही कि बाहर मन नहीं कर रहा है। तो आंटी भी नीचे यहाँ पे बैठे हुए भी ये दिख रहे होंगे आपको, देखिए मौसम कितना ज़्यादा सुहावना हो रहा है। तो मैं अंदर जा रहा हूँ, आप दिखाओ कैसे ड्रेस पहनी नाइशा ने, नीचे फ्रॉक नीचे करो नाइशा ने पहना है। चलो साइकिल चलाओ, मैं अंदर जा रहा हूँ ठीक है। तो चलिए गाइस अंदर चलते हैं और खाना बनाते हैं। जितनी ज़्यादा लाइट जलाते हैं उतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो मैं किचन में बैठे बैठे खाना बनाती हूँ। मेरा तेल गर्म हो चुका है, देखिए मेरा तेल गर्म होने को रख दिया है। और मैंने यहाँ पे बैंगन काट दिए और वहाँ पे आलू है फटाफट से भी, और यहाँ पे मैंने करेले कट करके रखे हुए, इसमें नमक डाल।
तो गाइस मैंने इसमें आलू डाल दिए हैं और थोड़ी देर में इसको पकाऊंगी, उसके बाद ही बैंगन डालूंगी। और किचन की हालत इस पर क्या करना पड़े, तो मैंने डालना इसको बंद कर दी हूँ। इसे मेरे आम रखे हुए थे ना, तो वो ख़त्म हो चुके थे, उसके बाद उसके लिए वो जल गया। तो फिर मैं आलू को मैं मिक्स होने के लिए मसालों में, उसके बाद ही इसमें मैं बैंगन डालूंगी। बैंगन जल्दी पक जाता है तो आलू थोड़ा टाइम देता है, तो मैं थोड़ी ढक के पकाऊंगी और मीडियम को फ्लेम करूंगी, कम करूंगी। तब तक मैं चटनी की प्रिपरेशन करती हूँ, चटनी बना लेते हैं। चटनी काहे की बना रही हूँ ना, आपको दिखाती हूँ। ये अच्छी ये है घर के टमाटर, ओ माय गॉड, पैसे दे दो, इसकी चटनी बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा टेस्टी चटनी बनती है इसकी, हरे टमाटर की। तो चलिए बनाना स्टार्ट। नो वंडर ये चिल्ली है, ये मिर्च लगेगा आपको उससे, चिल्ली है वो। तो थोड़ी सी मिर्ची बची, थोड़ी सी मिर्च लेंगे हम लोग, स्पाइसी बनाएंगे थोड़ा। हेलो जी, तो मैंने खाना बना दिया है, मैं सब्जी पकाने को रख दी है और ये सब्जी है, ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखने में। और वो भी बना दी है, चटनी भी बना दी है। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, देख सकते हो ये बुरे हाल हो रहे हैं यहाँ पे देहरादून, और बहुत अच्छी हवा चल रही है, हम लोग यहाँ मर रहे हैं अंदर इन गर्मी से। तो मैं सोच रही बाहर चला था जब तक इसके पापा नहीं आए, इसके पापा ने आज तो सारी हदें पार कर दी। कब से हम लोग आज, कल उनकी एमओडी थी तो उनका ऑफ हो जाता है 4 बजे, और 4 बजे लेकर हम लोग उनको फ़ोन करें कब आ रहे, आगे आधा घंटा, एक घंटा, आधा घंटा, एक घंटा करते करते 8 बज चुके हैं, 8 से ज़्यादा हो चुका है। सो टाइम क्या हुआ, 8 बज रहे हैं और अभी तक वो बिल्कुल आए ही नहीं। हम अब मैं लास्ट बार कॉल करूँगी कि अब क्या बोलते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अनायशा उनको बहुत ज़्यादा मिस करती है, क्योंकि जब वो एक दिन नहीं आते तो दूसरे दिन अनायशा बहुत वेट करती है उनका। और कब से लेकर रात का से बोली थी पहले पप्पू का, उस दिन 10 चक्कर अंदर बाहर लगा दिए, पापा की गाड़ी आ रही है, पापा की गाड़ी, और एक को अब चिंता ही नहीं है कुछ। अभी आएगा ना क्लास लेंगे हम लोग, डांटेंगे पापा को। कब से वेट करी मेरे पापा आएंगे मेरे पास, क्योंकि उसको ना बहुत ज़्यादा मतलब वो जब एक दिन एमओडी होती है दूसरे दिन बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है उनसे मिलने की, होते ही अपने मतलब माँ बाप से, वैसे भी बहुत कम रहती है उनके भी का, दिन भर रहती है, पर उसको पता होता है शाम को आने हैं, तो वेट करती है वो कितने बजे आएंगे, उसको टाइम का पता होता है। हाँ अनुष पिटाई करेगी पापा की, आपका नाम तो मैं करूंगी से। चलो वेट करते हैं, हम फिर मैं उनसे मिलाती हूँ, और इसे सब्जी पक रही है, हम लोग तब तक हवा खाने बाहर जा रहे हैं। चलना बाहर चलते हैं, एक लाइट बंद कर, पहले धूप बत्ती कर लेते यार, टाइम हो गया फिर जाएंगे बाहर। चलो पहले धूप यहाँ जला लेते फिर हम बाहर चला जाते, आ जाओ पूजा करते हैं पहले। चलो पापा के वेट के लिए ना इसे यहाँ पे खड़ी है, और इसके पापा नीचे आए, तो अभी इनका मिलान होगा ना। कैसे मिलोगे आप पापा से? लाइट क्यों जली है? तो अभी देखा नाइशा पापा को कैसे प्यार करती है, नाइशा हगी कर रही है। चलो चलो आगे पापा चलेगी लेने के लिए, जैसे ऊपर तो आ ही नहीं रहे पापा, कितनी ज्यादा खुशी हो रही है। वाह वाह वाह, आजा आजा फ्रूटी खाने, फ्रूटी पीने की खुशी है कि पापा आने की खुशी है? क्या मंगाया था आपने? मुझे बताएंगे, आगे तो कर दे, आगे नहीं करूंगा मैं। रश पापा से कट्टी हो गए? हाँ, मुझे ना पापा ने ना परेशान किया था ना, वसन दिख तो उनसे मैंने करी बात। अच्छा पापा क्या लेके आया आपको? फ्रूटी। तो पापा को आपने, को आपने मारा? क्यों मारा? गाइस मेरी ड्रेस कैसी लग रही है? पीछे को जा,
पीछे को जा। अच्छी नहीं लग रही। जाओ यहाँ से फिर मेरे पास एक फ्लावर वाली भी अंदर। नहीं अच्छी नहीं लग रही। ये सच्ची में जो बॉटल लाई थी ना गंदी लग रही। पेट घटाने के लिए उससे एक दिन पानी पिया सिर्फ। गंदी लग रही। चलो गंदी। गंदी लग रही। गंदी। दूसरा फैंकी। मेरा फैंकी है। अंदर देखो आपका। नो बेटू। ये देखो रेशु, ये देखो कितनी हवा चल रही है हमारे यहाँ पे। हाँ 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 ये देखो। हाँ रहने दो रेशा। हाँ जी सर। इधर दिखाओ जरा अपनी शक्ल। कैसे हो आप? कैसे हो? आई एम वेरी गुड। एम ओ डी कैसे रही? बताओ ना। बताओ ना गाइस। पापा से पूछो एम ओ डी कैसे रही। ऑसम। पापा से पूछो जाओ। Hey guys, तो सारा काम करके फ्री हो चुकी हूँ। टाइम 10 बज चुके हैं और हम लोग घूम के भी वापस आ चुके हैं और सुबह सो गए क्योंकि कल इसके भी नींद हो गए। तो मैं रशा घूम रहे गए थे और अब मैं रशा का दूध बनाऊंगी और इस ब्लॉग को एंड करूंगी। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे को सब्सक्राइब करना जो नए हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। गुड नाइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड कमेंट।